नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। केंद्र में मंत्री बनने के बाद पशुपति कुमार पारस पहली बार आज पटना आए। तमाम जो तैयारियां हैं वो सुबह से हो रही थी और फिलहाल जो एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं और अपने कार्यकर्ता नेताओं के साथ वो हाजीपुर के लिए निकल गए हैं। पटना से रोड शो करते हुए वो हाजीपुर अपने जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पहुँचेंगे। आप तस्वीर देख रहे हैं किस तरीके से उनका स्वागत हो रहा है। बड़े बड़े फूल माले के साथ जो है पशुपति पारस का स्वागत पटना एयरपोर्ट पर हुआ। लेकिन तस्वीर आपने ये भी देखा होगा कि जो दावे किए जा रहे थे हज़ारों की भीड़ की, वो शायद नहीं दिखी। मुझे तो खास तौर पे नहीं दिखी। जो लगातार एलजेपी जो पशुपति पारस रूट के एलजेपी है उसके तरफ से दावे किए जा रहे थे कि हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो आएंगे। हालांकि प्रिंस राज ने यह बात साफ कर दिया था कि आधे से ज़्यादा लोगों को एयरपोर्ट से बाहर ही प्रशासन ने रोक दिया गया है। प्रशासन और यहाँ पे यात्रियों को सहूलियत हो उसको लेकर पहले ही रोक दिया गया है। लेकिन यह पहली बार नहीं, इससे पहले भी तमाम जो बड़े नेता आए उनका ग्रैंड वेलकम किया गया है। लेकिन पूरी तरह से कार्यकर्ताओं से पूरा एयरपोर्ट जो है भरा पड़ा था और आज जो है उतनी भीड़ नहीं दिखी। पार्टी कार्यालय में हमें तो दिखाई कि घोड़ा हाथी ऊँट जो स्वागत में लाए गए थे वो तमाम चीज़ें थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के जो हुजूम की बात कही जा रही थी, जो चिराग पासवान की यात्रा में देखने को मिल रही है, वो तमाम नहीं देखने को मिली। हालांकि जब बातचीत हुई जब पटना आने के बाद केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लोग उत्साह हैं, स्वागत किया है और क्या कुछ कहा है जरा सुनिए।